Hi friends, welcome to our channel Inspirational Classes. Hello everybody, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का पोयम मिरर, रिटन बाय सेल्विया प्लैथ. ये सेल्विया प्लैथ का एक वेल नोन पोयम है. आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट. यहाँ आई मिरर के लिए होता है, यहाँ मिरर को पर्सोनिफाई किया गया है. मिरर कहता है आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट. वो सिल्वर इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर एक वो सिल्वर इन कलर है, उसके ऊपर एक सिल्वर कोटिंग की गई है ताकि उसका जो भी उसके सामने है वो उसको रिफ्लेक्ट कर सके. और एग्जैक्ट इसलिए क्योंकि जैसी इमेज मिरर के सामने आती है वो वैसी ही इमेज वापस रिफ्लेक्ट करता है. आई हैव नो प्री कंसेप्शंस. यहाँ प्री कंसेप्शन का मतलब होता है पहले से जो उसके पास आइडिया है, उसके पास कोई ऐसा कोई आइडिया नहीं है. वट एवर आई सी आई स्वेलो इमीडिएटली. यहाँ पे है कि जैसे ही कोई व्यक्ति या कोई भी चीज अगर मिरर के सामने आती है तो ऐसा लगता है कि वो मिरर के अंदर से लगे हैं. इट सीम दैट जैसे कि मिरर ने उसे स्वेलो कर लिया, निगल लिया है. जस्ट एज इट इज, इसी प्रकार जैसा वो है. अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक. अनमिस्टेड मतलब होता है मीन्स कोई उसके ऊपर डस्ट नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, वैसा कुछ. जैसी ऑब्जेक्ट या कोई भी उसके सामने आता है उसी प्रकार का वो इमेज दिखाता है. उसको लव और डिसलाइक की भावना उसके अंदर नहीं है. उसे जैसा भी उसके सामने आए पिक्चर या कोई भी ऑब्जेक्ट वो वैसा ही उसे वापस दिखा देता है. आई एम नॉट क्रूअल ओनली ट्रूथफुल. यहाँ पे क्रूअल मतलब कहने का मतलब ये है, उसने क्रूअल इसलिए भी बोला यहाँ पे क्योंकि अधिकतर जो सच्चाई होती है फुलनेस वो कड़वी होती है. इसलिए वो मिरर बोलता है कि मैं क्रूअल नहीं हूं, मैं सच्चा हूं. जो मेरे सामने जैसा है मैं उसको वैसा ही दिखाऊंगा. द आई ऑफ अ लिटिल गॉड. अब मिरर यहां पे अपने आप को एक लिटिल गॉड की आई मानता है क्योंकि क्योंकि जैसे गॉड एज गॉड अनबायस्ड होते हैं, किसी की ओर पक्षपात नहीं करते, सबको इक्वली देखते हैं, उसी प्रकार फोर कॉर्नर्ड. यहाँ फोर कॉर्नर से हमें यह पता लगता है कि उसका जो मिरर था वो फोर कॉर्नर्ड वाला था. मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेट ऑन द अपोजिट वॉल. अधिकतर समय जो मिरर होता है वो अपने अपोजिट वॉल की ओर मेडिटेट उसकी ओर देखते रहता है. इट इज पिंक विथ स्पिकलेस स्पिकल्स. वो जो अपोजिट वॉल है वो पिंक है विथ स्पिकल्स. स्पिकल्स मतलब होता है व्हाइट स्पॉट्स, स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं. आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग. मैं जब से लगा हूं तब इसे देख रहा हूं, मैं बहुत लंबे समय से इसे देख रहा हूं. आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ माई हर्ट. मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे हृदय का एक पार्ट बन गया है क्योंकि मैं जब से यहां से टंगा हूं तब से मैं अपोजिट वॉल की ओर देख रहा हूं. बट इट फ्लिकर्स. यहां पर ये फ्लिकर करता है. फ्लिकर मतलब कभी कभी आता है फिर गायब होता है. यहां फ्लिकर इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति उसके सामने मिरर के सामने आके खड़ा होता है उसका वॉल छिप जाता है. इसलिए जब वो इधर उधर जैसे व्यक्ति मिरर के सामने आते हैं तो उसका जो वॉल होता है अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लिकर करता है, मीन्स आता है जाता है. फेस एंड डार्कनेस सेपरेट सेपरेट्स अस ओवर एंड ओवर. फेसेस जो ह्यूमन बींग्स आते हैं मिरर में अपना फेस देखने और डार्कनेस, और जब अंधेरा हो जाता है तो ये मिरर और उसके सामने वाले वाल को सेपरेट कर देता है, एक दूसरे को देखने नहीं देता है. ओवर एंड ओवर बार बार ऐसा होता है. नाउ आई एम ए लेक. अब मिरर जो है वो अपने आप को लेक बोलता है. ये मेटाफर है, एक फिगर ऑफ स्पीच है. अ वुमन बेंड्स ओवर मी. यहाँ लेक, यहाँ जो मिरर है वो अपने आप को लेक इसलिए कहता है क्योंकि लेक भी उसी तरह होती है. लेक भी जो उसके सामने ऊपर बैठा रहता है उसकी इमेजेस को रिफ्लेक्ट करती है. इसलिए यहाँ मिरर अपने आप को कंपेयर कर रहा है लेक से. अ वुमन बेंड्स ओवर मी. एक वुमेन आती है और वो अपनी इमेज देखने के लिए लेक में बेंड होती है, झुकती है लेक की ओर. सर्चिंग माई रीचेस फॉर वॉट सी रियली इज. यहाँ रीचेस का मतलब है डेप्थ, डेप्थ ऑफ द लेक. जैसे ही वो
जो वुमेन होती है वो लेक में देख रही होती है, वैसे ही लेक जो है वो उसकी इमेज दिस डिट्टो उसे दिखा देती है। बट वुमेन जो होती है वो कुछ और ही देखना चाहती है, वो अपनी पुराने यादों में जो पहले जैसे ब्यूटी थी वैसा वो देखना चाहती है, वैसी सुंदरता देखना चाहती है। नाउ अब जो है वो जो वुमेन होती है वो बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए वो मीन्स ओल्ड हो चुकी है, इसलिए वो उसको पुरानी इमेज देने जाती है और वो उसे दिखाई देती है, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता है। देन सी टर्न्स टू डोज लायर्स द कैंडल्स और द मून्स। यहाँ पे कैंडल और मून्स को लायर इसलिए बोला गया है क्योंकि क्योंकि कैंडल और मून की जो कैंडल्स की और मून की जो लाइट होती है वो थोड़ा डिम होती है, जो इम्परफेक्शंस को छुपा देती है। फिर जो है वो जो वुमेन होती है वो लेक की ओर अपना बैक कर लेती है और कैंडल्स और मून्स की लाइट को प्रिफर करती है। इसलिए प्रेफर करती है क्योंकि इसकी जो एग्जैक्टनेस थी जैसे वो दिखती थी उससे कम दिखती थी, डिम था, इसलिए उसका जो परफेक्शन था वो छिप जा रहा था। फिर मिरर जो बोलता है कि उल्टी बैठ गई तो उसका बस बैक दिख रहा है एंड रिफ्लेक्ट इट्स फिटफुली, तब भी वो एकदम सच्ची बातें को ही रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। सी रिवार्ड्स मी विद टीयर्स, वो उससे उसकी ओर देखते हुए रो रही होती है, तो वो बोलता है कि ये मुझे रिवार्ड कर रही है टीयर्स से। एंड एंड एजिटेशन ऑफ हैंड्स है, हाथ में अलग सी कंपन मीन्स अलग सा मीन्स हाथ का मूवमेंट से एजिटेशन से उसको रिवार्ड कर रही है। आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर, मिरर बोलता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। सी गोज एंड सी कम्स एंड गोज ईच मॉर्निंग, इट इज हर फेस दैट रिप्लेसेस द डार्कनेस। वो जो लेडी औरत होती है वो हर सुबह मिरर के सामने आती है और ये जो वो जो औरत का फेस है वही है जो हर दिन मिरर के सामने से डार्कनेस को हटाता है। मीन सबसे पहले वो अपना चेहरा के मिरर में देखती है, वो हर सुबह डेली आती है अपना चेहरा देखने के लिए। इन मी सी हैज ड्राउंड अ यंग गर्ल, वो मेरे में मीन्स मिरर में अपने यंग गर्ल को ढूंढती है। एंड इन मी एन ओल्ड वुमेन, बट वो अब यंग नहीं रहती है, उसे बस एक ओल्ड वुमेन का फेस ही दिखाई देता है। राइजेस टूवर्ड्स हर डे आफ्टर डे लाइक अ टेरेबल फिश, जो हर दिन दिन ब दिन उसका जो यंग है यंग लेडी वाला कैरेक्टर वो कम होते जा रहा है और उसका जो ओल्डनेस वाला कैरेक्टर वो बढ़ते जा रहा है, वो उसे एक टेरेबल फिश की तरह लगता है, वो एक जैसे भयानक भयंकर फिश की तरह प्रतीत होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। प्रेस द बेल टू गेट लेटेस्ट अपडेट एंड कमेंट फॉर क्वेरीज।